चांद का झंडे पर होना और झंडे का चांद पर होना दोनों में बड़ा फर्क है। ये बातें मशहूर कवि कुमार विश्वास ने कही थी और उस दौरान कही थी जब पाकिस्तान के एक यूजर ने उनसे कमेंट बॉक्स पर मंगलयान को लेकर पूछ लिया था। और ये बातें आज के समय में बिल्कुल हद तक सही भी है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे। लगभग 200 वर्षों तक गुलामी करने के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान बंटवारा चाहता था। 1947 में 15 अगस्त के दिन दोनों मुल्क आज़ाद हो गए। दोनों की अलग अलग सीमा बनाई गई, एक पे पाकिस्तान की हुकूमत, दूसरे पर भारत का शासन। उसके बाद आगे आने वाले 75 वर्षों में जो कायाकल्प हुआ, जो बदलाव हुआ, वो भी अपने आप में एक कहानी है। जब एक साथ आज़ादी पाई तो फिर भारत इतनी ऊंचाइयों को क्यों छू रहा है और पाकिस्तान बर्बाद होता कैसे जा रहा है, ये बताने के लिए हम आज आपके सामने मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज के इस वीडियो में यही बताएंगे कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन बर्बाद कैसे होता जा रहा है। 1958 में पहली बार IMF के दरवाजे पर पाकिस्तान पहुंचा। वहां उसने कर्ज मांगी, भारत से अलग हुआ था, लिहाजा भारत की संप्रभुता शान को देखते हुए पाकिस्तान को कर्ज मिल गई। पाकिस्तान उसे चुकाने में असमर्थ रहा। उसके बाद भी कई बार वो कर्ज ले चुका है, लेकिन चुकाने की तिथि से पहले ही वो तय तिथि को आगे बढ़ा देता है। ऐसे में IMF भी उसकी चाल समझ चुका है और IMF अब कर्ज नहीं देने जा रहा। अब ऐसे में पाकिस्तान के लोगों की स्थिति क्या होगी, लेकिन ये जानने से पहले आपको 1947 और 1950 के बीच ले जाते हैं। आप ये समझिए कि 1950 और 1947 के दौरान, यानी कि 1947 से 1950, 3 वर्षों के दौरान पाकिस्तान को 17% औपनिवेशिक निवेश भारत ने दिया था। जो आप सुनते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत ने 62 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। इसके अलावा सेना में 33% हिस्सेदारी दी थी ताकि पाकिस्तान के दामन में कोई आँच ना आए। बाकी पाकिस्तान ने खुद से भी पैदा किया, जैसे लश्कर ए तैयबा, मुजाहिदीन, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन समेत तमाम ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान के लिए कालिख हैं। भले ही पाकिस्तान इन्हें अपनी आंखों का चांद सितारा कहता हो, लेकिन दुनिया के लिए तो ये कालिख ही हैं। तभी तो अमेरिका भरी सभा में पाकिस्तान की बेइज्जती कर देता है। तभी भारत के विदेश मंत्री UN की सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताते हुए उस पर टारगेट करते हैं और छोटे बड़े सारे देश मिलकर पाकिस्तान के इस हथकंडे को बेनकाब करना चाहते हैं। पाकिस्तान की वर्तमान दशा कैसी है, ये जानने के लिए अब हम आपको 1971 के जंग मैदान में ले चलते हैं। 1971 में जग जाहिर है कि भारत के साथ जंग मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तान की दशा क्या हुई थी। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था, इधर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान से उसका एक हिस्सा बांग्लादेश हमेशा के लिए छिन गया। अब उसके बाद उसके ऊपर आर्थिक संकट का दौर आया, लेकिन तब के प्रधानमंत्री ने उस संकट के दौर से पाकिस्तान को उबारा। और 1980 में एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की दशा भारत से बेहतर होने लगी। अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो थी वो मजबूत होने लगी और भारत सकते में जा रहा था, क्योंकि भारत की स्थिति खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर भारत ने बैकफुट से फ्रंट फुट पर ऐसी छलांग लगाई कि पाकिस्तान उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुँच पाया। आज भारत की इकोनॉमिक दशा इतनी बेहतर है कि वो पाकिस्तान जैसे 4 मुल्कों को 3 महीने तक खिला सकता है। इसके अलावा भारत के नागरिकों का पेट पाल ही सकता है। पाकिस्तान की दशा पर बात करें तो पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक का बचा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ और सिर्फ 20 से 28 दिनों तक खाना खा सकते हैं, यानी कि भोजन कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में अकाल आने वाला है, ऐसा लोग नहीं बता रहे बल्कि ऐसा मीडिया के विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपनी सभा में ढिंढोरा पीट पीट कर कह रहे हैं। पाकिस्तान जब बना तो उस समय सेना को कमान दे दी गई, लेकिन सेना ने इसका बखूबी गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में अब तक कई दफा ऐसा देखने को मिला है जब वहाँ की सरकार को सेना ने औधे मुँह गिरा दिया है, लगभग 4 बार तो जरूर। वहीं भारत की बात करें तो भारत में सेना को सैन्य शक्ति तो दे दी गई, लेकिन राजनेताओं और जनता के हाथों प्रजातंत्र की चाबी दे दी गई।
जनता वोट करती है, सरकार चलती है और सरकार आगे बढ़ती जाती है, तभी तो भारत के लोकतंत्र को विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है। भारत के संविधान को भी विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि भारत अपने इर्द गिर्द के देशों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसीलिए भारत के संविधान में कई राष्ट्रों की स्वामित्व योजना, कई राष्ट्रों की निधि और कई राष्ट्रों के विश्वास को परोसा गया है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान कभी भी संवैधानिक तरीके से चलने वाला देश ही नहीं है। अगर होता तो अमेरिका बार बार कह रहा था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान ने एक चू शब्द तक नहीं निकाली। पर 2012 के दौरान वही अमेरिका पाकिस्तान में घुसता है, ओसामा बिन लादेन को मारता है और फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करता है। अब कहते हैं कि दोस्त का दुश्मन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। यही हाल पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान ने चीन के साथ पिछले 70 वर्षों में ऐसी दोस्ती पेश की है जिसमें चीन उसे इर्द गिर्द रहते हुए खाते जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं है। चीन लगातार उसे कर्ज देते जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। पाकिस्तान चीन के द्वारा दिए गए भीख पर जीवित एक देश है और मुझे लगता है कि शायद ये मुल्क पूरे विश्व का एकमात्र मुल्क है जो चीन के भूख पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि श्रीलंका की जो दशा है वो देखने लायक है और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को चौंक जाना चाहिए। खैर, अब इसके बाद पहुंचते हैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो उस समय अल्पसंख्यकों की जो स्थिति थी वो 9.8% थी, यानी कि जो हिंदू थे वो 9% थे। ऐसे तो आंकड़ों में 13% कहा जाता है, लेकिन आज के समय में 0.4% अल्पसंख्यक मौजूद हैं। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में 9.14% अल्पसंख्यक मौजूद थे बंटवारे के समय, जिनकी संख्या आज बढ़कर 23.12% तक पहुंच चुकी है। ये 2011 के जनगणना की रिपोर्ट बताती है। हो सकता है इसमें फेर बदल हुआ हो और उतार चढ़ाव की संभावना हो। अब पाकिस्तान इन मामलों में तो पिछड़ा ही है, इसके अलावा इस्लामिक जिहाद भी पाकिस्तान का पूरी दुनिया में फूल रहा है, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि तालिबान को संरक्षण देने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से संचालित तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका है, वहाँ उसकी सत्ता चल रही है, लेकिन आतंक को आगे बढ़ाने वाला काम पाकिस्तान ने ही किया था, यानी कि टेरर फंडिंग। अब जब टेरर फंडिंग पाकिस्तान कर ही रहा है तो उसे अपने देश में क्या चाहिए? जहां इंडिया में लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति है, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, वहीं पाकिस्तान में महिलाओं के साथ नरभेरी वाली स्थिति बनी हुई है। वहाँ की महिलाएं आज भी काम पेशा करने से कतराती है, वहाँ की महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं और वहाँ के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। अब साक्षरता दर पर पहुँचते हैं। भारत का साक्षरता दर जहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक 77.7% है, वहीं पाकिस्तान की साक्षरता दर 59.98%, यानी कि 60% है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत उससे कोशों आगे हैं। डिफेंस सिस्टम में बात करें तो भारत की सेना जहां विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, वहीं पाकिस्तान की सेना विश्व में 10वें स्थान पर है। इसके अलावा बात करते हैं और चीज़ों को लेकर, तो जहां भारत की छवि 6ठे स्थान पर आती है अच्छी छवि के मामले में, वहीं पाकिस्तान की छवि 108वें स्थान पर आती है। इसके अलावा अगर रक्षा बजट पर बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट जहाँ 7 लाख करोड़ से अधिक है, वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.37 लाख करोड़ है। इनकी वो भारत के आगे इन मामलों में कहीं नहीं टिकता। अब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यानी कि IMF की बात करें तो पाकिस्तान उसके दरवाजे को लगभग 22 बार खटखटा चुका है, लेकिन भारत की बातें करें तो भारत 7 बार खटखटा चुका है, उसमें भी पिछले 8 वर्षों में तो बिल्कुल नहीं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान पीछे की ओर जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में और भी हलचल तेज हुई है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जरूरी है सियासी हलचल को समझना। पाकिस्तान में जैसे सेना को पूरी तरीके से छूट मिली हुई है, तो ऐसे में सैनिक क्या करते हैं, सेना क्या करती है वहाँ की? जब प्रधानमंत्री सही तौर पर काम नहीं करता या सही काम कर भी रहा हो, टेरर फंडिंग नहीं करता, तो उसकी सरकार गिरा दी जाती है। 4 बार ऐसे सरकार गिराई जा चुकी है, लेकिन
आज तक आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद पाकिस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री ने पूरा कार्यकाल नहीं दिया है। इसका श्रेय भी सेना को ही जाता है। अब ऐसे में पाकिस्तान के लोग भी, यानी कि वहाँ के आवाम भी, अपनी सेना से परेशान होते देखे जा रहे हैं। जब भी कभी ऐसी बात होती है, बॉर्डर पर तनातनी बढ़ती है, पाकिस्तानी अखबार पाकिस्तानी सैनिकों के पक्ष में खबरें लिखती है, सरकार के पक्ष में खबरें लिखती है, और वो कहती है कि भारत की तरफ से इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत किस शांति और किस सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान से वार्तालाप करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में भी पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। तभी तो धारा 370 जैसी चीज़ें भारत सरकार ने हटाई तो पाकिस्तान के कान में भिनभिनी मच गई। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता के अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है। साथ ही लोग भी अलग मुल्क की बात करते हैं। गिलगित और बलूचिस्तान के लोग लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, उन्हें अलग मुल्क बनाने की मांग पड़ी हुई है। वहीं भारत ने क्या किया, भारत अपने साथ राष्ट्रों को राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी तो 1961 में गोवा जुड़ा, इसके बाद असम और सिक्किम उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं। आगे आने वाले समय में भी हो सकता है कि भारत के साथ और राज्य जुड़े, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में आए बाढ़ और पाकिस्तान में हो रही गैस महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में। पाकिस्तान की बाढ़ ने लगभग उसके 5.25 अरब रुपए बर्बाद कर दिए। यानी कि पाकिस्तान एक तो घाटे में जा ही रहा था, आगे और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दरवाजों पर दस्तक लगा चुका है, कई मुल्कों से भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। बस एक चाइना है जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। तभी अमेरिका और रूस दोनों में भिन्नभिन्नी मची हुई है, और अमेरिका और रूस कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, अमेरिका की एक पुरानी आदत भी रही है कि वो वक्त के साथ अपनी दोस्ती भी बदलता है और वो छुपे मुंह वार भी करता है। तभी तो पाकिस्तान को उसने कई सारे मिलिट्री आइटम भी दिए हैं। अब आज के दौर में लाचारी ये है कि पाकिस्तान में LPG गैस भरे जा रहे हैं बैलून में। आप भी सुनकर के चौंक जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ के आवाम LPG अब बैलून में भरकर अपने घर ले जा रहे हैं। सरकार सोई हुई है। सरकार इसलिए सोई हुई है क्योंकि सेना जो है वो सरकार को जागने ही नहीं देती। जब भी कभी भी सरकार अच्छा करने की कोशिश करती है, पाकिस्तानी सेना तिल मिलाए हुए सरकार औधे मुँह गिरा देती है। अब ऐसे में वहाँ की आवाम हलकान हो रही है, परेशान हो रही है। आलम यह है कि रोड पर आपको लोग ऐसे ही गैस लेकर जाते हुए दिखाई दे देंगे। अब ऐसे में ये सब जोरदार तमाचा है सरकार के मुंह पर, सेना के मुंह पर, लेकिन पूरा विश्व पाकिस्तान की इन हरकतों को देख रहा है और देख रहा है कि अपनी बनाई दुनिया में पाकिस्तान और मुल्कों से कैसे पिछड़ता जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही है, लेकिन और खबरें हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना अंतर है, इतना बताने की जरूरत नहीं भी थी क्योंकि आप पहले से ही अधिक समझदार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। उसके लिए शेयर बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा।